तो दोस्तों Redmi Note सीरीज इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड रेंज लाइनअप में से एक है और Xiaomi इसे हर साल नए Redmi Note सीरीज के साथ अपडेट करती है जिसके जरिए कई स्मार्टफोन लॉन्च किए जाते हैं। इस वक्त Redmi Note 10 सीरीज मार्केट में लेटेस्ट Redmi Note सीरीज के रूप में अवेलेबल है। अब कंपनी Redmi Note 11 सीरीज के लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है जो कि आने वाले साल में लॉन्च किया जा सकता है। वैसे देखें तो Xiaomi ने Note 10 सीरीज को मार्च मंथ में लॉन्च किया था, ऐसे में Note 11 सीरीज को नेक्स्ट ईयर यानी 2022 में मार्च मंथ में लॉन्च किया जा सकता है। Xiaomi के इस स्मार्टफोन में कुछ भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल हो, इससे पहले Redmi Note 11 सीरीज की कुछ स्पेसिफिकेशंस सामने आई है जो आज की इस वीडियो में Redmi Note 11 के बारे में बताने वाला हूं। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक करा दिया होगा, उसके लिए थैंक यू। यदि चैनल पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। अपने इस भाई का नाम भी जान लीजिए, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप, आप देख रहे हैं टेक्नोनो। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Xiaomi अपने पॉपुलर मिड रेंज सीरीज के स्मार्टफोन को मेजर अपग्रेड के साथ लॉन्च करेगी। 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल होगा। पिक्सल डेंसिटी 404 PPI होगा। Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन को 120 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च किया जा सकता है। टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर Redmi Note 11 सीरीज की स्पेसिफिकेशंस लिख की है। इस सोशल पोस्ट में दावा किया गया है कि टॉप एंड Note 11 सीरीज को 120 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च किया जा सकता है। Note 11 Pro और 11 Pro Max स्मार्टफोन में Xiaomi का सबसे फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी जा सकती है। वैसे Xiaomi ने हाल में ही 11T सीरीज को यूरोप में नई फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया है। वैसे Xiaomi Redmi Note 11 सीरीज स्मार्टफोन को 120 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च करती है, तो ये फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाली सबसे किफायती स्मार्टफोन सीरीज होगी। कुछ महीने पहले यानी जुलाई में Redmi Note 11 के कुछ रेंडर्स के बारे में लेट्स गो डिजिटल के तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक नया Redmi Note 11 Pro में 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है और शायद 3.5mm ऑडियो जैक देखने को ना मिले। फिलहाल Redmi Note 10 11 सीरीज में कंपनी 108 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा सिस्टम और 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले जैसे टॉप एंड फीचर्स दिए जाते हैं। ऐसे में चौंकाने वाला नहीं होगा कि कंपनी नोट 11 सीरीज में 120 वाट फास्ट चार्जिंग ऑफर करे। इस सीरीज के लॉन्च में अब कुछ ही समय बचा है, तो ऐसे में Xiaomi की नोट 11 सीरीज को लेकर अटकलें हैं कि ये बेहतर स्पेसिफिकेशंस, 5G प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और बेहतर कैमरा के साथ लॉन्च किया जाएगा। बाकी उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में इसकी एक और रेंडर निकल के सामने आए जहां से मुझे पता चल सकता है कि इसमें कौन सा प्रोसेसर, कितना बैटरी पावर और क्या कैमरा स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। साथ ही ये बताइएगा वीडियो कैसी लगी। यदि अभी तक हमारे ट्विटर पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और हाँ, मुझे वहाँ पर पर्सनल DM भी कर सकते हैं, #AskTechnoNoob यूज करके जो सवाल है मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगली बार किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।